हेलो एवरीवन, अगस्तो लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विवेक चौधरी और जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं और इसकी हम डेली कोई ना कोई क्लासेस लेते ही हैं जिसमें आपके एग्जामिनेशन के बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भी एक नया पार्ट है, आगे का क्लास 12 है ये, और इसमें आपके उन सभी क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन रेडी किया हुआ है जो मोस्ट प्रोबेबली आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ये पॉसिबल है कि भाई आपके जो डिजिट्स हैं वो थोड़ी कैलकुलेटिव आ जाए, जो नंबर्स हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव हो सकते हैं, बट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इसी पैटर्न पर आपके देखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ नंबर एक्स इज 10% लेस देन अनदर नंबर वाई, यदि एक संख्या एक्स जो है ना वो दूसरी संख्या वाई से 10% कम है। तो अगर x y से 10% कम है, इसका मतलब ये हुआ कि y अगर 100 होगा तो x 90 होगा, ये हो गया भाई 10% कम। और y 125 से 10% अधिक है, 125 से 10% अधिक होने का मतलब ये है कि 125 का 11/10, तो ये जो 100 है ना इसकी वैल्यू है 125 का 11/10। आपको बतानी है x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, 100 की वैल्यू आपको गिवन है और 90 की वैल्यू आपको निकालनी है, या फिर आप ऐसे समझो कि अगर मैं इसको और परफेक्ट रेशियो में लाऊं तो 10 की वैल्यू हमें गिवन है और 9 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 9 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 10 की वैल्यू 125 × 11/10 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 125 × 11/10 और एक और अपॉन में आ जाएगा 10, और 9 की वैल्यू निकालने के लिए यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 9 की। तो ये जो नीचे 10 है इसको बिल्कुल भी मत काटना क्योंकि दो जीरो हैं, तो डायरेक्टली आपकी क्या होगा, दो नंबर के पहले डेसिमल लग जाएगा। हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करनी है 125 × 11 × 9 की। तो सबसे पहले हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 × 9 होता है आपका 225, 225 और 225 और 9 × 9 = 11 यानी कि 1125, तो ये आएगा। इसके 11 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन में 100। 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, शुरू में ये वाली यूनिट डिजिट लिखो, फिर इसमें ये ऐड करो 7, फिर इसमें ये ऐड करो 3, फिर इसमें ये ऐड करो 2, और लास्ट में ये जो नंबर था स्टार्टिंग में वो लिख दिया, दो नंबर के पहले लग जाएगा डेसिमल, यानी कि 123.75, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो एक तरीका तो आपके पास ये हुआ। दूसरा, अगर आप इसको ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो देखो 11 और 9 दो नंबर से इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, कोई और हो सकता है वैल्यू हो जो और बड़ी हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उसको कैसे करोगे। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि 11 से और 9 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ऑप्शन ऐसा होगा जो 11 और 9 से डिवाइड हो सके। मैंने पहली बार इसको देखा, क्या ये 11 से डिविजिबल है, नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखा मैंने इसको 1 4 3, 3 और 1 4, क्या ये 11 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, लेकिन 9 से डिविजिबल ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब की बात देखते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड कि भाई 5 और 1 6, 6 तो आ रहा है इनका, और 4 और 5, 5 समा रहा है इनका, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। जब तीन नंबर हमने निकाल ही दिए तो एक ही ऐसा ऑप्शन बचा जो इन तीन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स मीन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मेरा जो इस वीडियो में पर्पस है वो ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन बताऊं, मेरा पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कैलकुलेशन को कैसे करना है एग्जाम में, ऑप्शंस से क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, ये सीखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि क्वेश्चन को सीखना, क्योंकि टाइम ओरिएंटेड पेपर है। कभी कभी ऐसा होता है टाइम ओरिएंटेड पेपर में कि आपने देखा क्वेश्चन को और क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगा कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, बड़ा है, और आपने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब आप पूरा पेपर कंप्लीट कर चुके तो कंप्लीट करने के बाद आपको याद आया कि वो क्वेश्चन छोड़ा था, आप वापस उस क्वेश्चन पे गए और उस क्वेश्चन पे जाने के बाद आपने सोचा कि इसको कैसे किया जाए। अब टाइम का आपको पता ही है, टाइम में अगर आप उसे करोगे विद इन टाइम लिमिट में तो हो सकता है वो कंप्लीट ना हो, ऐसे टाइम पर आप इन ऑप्शंस की हेल्प से, इन ऑप्शंस का यूज करके उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए की आय बी से 20%, एक्स की जो आय है वो वाई से 20% अधिक है, मतलब 20% का मतलब आपको पता है कि ये होता है आपका 1/5। अगर वाई की आय 5 है, इनकम 5 है, तो एक्स की एक एक्स्ट्रा है यानी कि 6 होगी। आगे बोला है वाई की आय एक्स से कितने परसेंट कम है, वाई की जो आय है वो एक्स से, जिस से पूछते हैं वो अपॉन में, कितनी कम है, एक कम है। 1/6 का आपको पता है ये फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 16.3% की, तो 16.3% होगा इसका राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन इट इज डिक्रीज बाय 10%। एक नंबर को पहले 20% इंक्रीज किया जाता है, आप सिंपली एक नंबर 100 मान के चलो, जब भी कोई इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, कोई नंबर है 100, सबसे पहले 20% इंक्रीज किया जाता है, तो 20% इंक्रीज करने का मतलब अभी मैंने आपको बताया 20% का मतलब होता है 1/5, 5 में 1 इंक्रीज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 6/5 इनिशियल वैल्यू का, ये हो गया 6/5 इनिशियल वैल्यू का। उसके बाद 10% डिक्रीज किया गया और 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब कि अगर वो नंबर इनिशियली 10 था तो 1 डिक्रीज होने के बाद वो रह गया 9। आपको परसेंट इंक्रीज इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 70% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी 504, बॉयज आर 70%, इट्स मीन जो गर्ल्स होंगी, अगर बॉयज 70% है तो गर्ल्स जो होंगी वो 30% होंगी, और ये गर्ल्स की जो नंबरिंग है, ये नंबर वैल्यू दी हुई है 504। क्वेश्चन में पूछा है कि बॉयज कितने होंगे, आप सिंपली सोचो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या मिलेगा कि 7 और 3, 7 अगर बॉयज हैं तो 3 गर्ल्स हैं, और 3 की वैल्यू अगर 504 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 3 1 3, 3 6 18, 3 8 24, 168, ये हो जाएगी 1 की वैल्यू। आपको बतानी है 7 की वैल्यू, तो 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 56 एंड 7 6 42 प्लस 5 47, 7 1 7 प्लस 1 11, 1176, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक सीक्वेंस है और आपसे पूछा है कि इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो देखो क्या कोई पैटर्न बन रहा है। वैसे तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी यहां पर 3 ऐड हुआ है, इसके बाद 5 ऐड किया गया, इसके बाद 7 ऐड किया गया, फिर 9 के बाद 11, तो इसका पता है आपको 13 ऐड होना चाहिए, और जैसे ही आप इसमें 13 ऐड करोगे तो 48 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 इज न्यूमेरिकली व्हाट परसेंट ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, मतलब कि कोई सर्कल है और उसकी जो रेडियस है वो 5 है, आपसे पूछा गया है कि जो इसका एरिया है ना वो उसके सर्कमफेरेंस का कितने परसेंट है, मतलब सर्कमफेरेंस को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट, या परिधि को मैं अगर सी से रिप्रेजेंट करूं, तो आपसे पूछा है क्षेत्रफल जो है वो परिधि का कितने प्रतिशत है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और जो परिधि होती है ये होती है 2πr। पाई से पाई को कैंसिल कर देते हैं, r से 1 पावर कैंसिल कर देते हैं, तो हमें इनका जो रेशियो मिलता है, अनुपात मिलता है, वो मिलता है 5/2, क्योंकि रेडियस कितनी है, त्रिज्या है 5 और बटे में आ गया 2। आपको केवल और केवल इसकी परसेंटेज वैल्यू बतानी है, तो 5/2 मल्टीप्लाई 100%, 5 को डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2.5, और 2.5 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250%, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ये ए है और ये बी है, इसकी आयु 4 है और इसकी आयु 5 है। यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 14:17 हो जाता है, 4 वर्ष के बाद जो आयु का अनुपात हुआ ये तो 14 हो गया और ये हो गया 17, तो वर्तमान में बी की आयु कितनी है, मतलब वर्तमान में बी की आयु हमने 5 माना था, ये आपको बतानी है। हमें एक चीज हमेशा अंडरस्टूड होती है, हमेशा पता होता है कि जो आयु का अंतर, एज का जो डिफरेंस है, वो हमेशा पूरी उम्र बराबर ही होता है, डिफरेंस कभी भी नहीं बदलता। मतलब अगर आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन आपसे 5 साल बड़ी है या बड़ा है, तो वो हमेशा के लिए 5 ही साल का डिफरेंस रहेगा। ऐसा नहीं है कि आज 5 साल का डिफरेंस है तो 10 साल या 15 साल बाद ये डिफरेंस चेंज हो जाएगा, नो। इसका मतलब यहां पर जो अंतर है ये 3 का है, तो यहां पर भी 3 का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहां पर 1 का अंतर है, तो 1 का अंतर को 3 का डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते ही ये वैल्यू हो जाएगी 12 और ये हो जाएगी 15। अब देखो इनके बीच में भी 3 का अंतर आ गया और इनके बीच में भी 3 का अंतर है, मतलब आयु का डिफरेंस हो गया 3। अब देखो 12 साल से 14 साल तक पहुंचने में 2 साल की जरूरत पड़ेगी, बट क्वेश्चन में 4 साल की जरूरत पड़ रही है, मतलब जो एक्चुअल में डाटा है वो हमारे डाटा का 2 टाइम है, 2 गुना है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 4। आपको 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो जाएगी और 15 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 साल। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी धारा के प्रतिकूल 3 किलोमीटर पर आवर हैंड नहीं है, ये पर आवर एंड 7 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो धारा के प्रतिकूल जाता है। ध्यान से समझना भाई, अगर मैं मान लूं कि जो स्ट्रीम है, स्ट्रीम यानी कि जो धारा है, इस धारा की चाल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एस, एस मतलब स्ट्रीम, और जो नाव है या जो बोट है, इस बोट की स्पीड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया बी से। तो प्रतिकूल मतलब धारा को तो विपरीत दिशा में चलना है और नाव को विपरीत दिशा में चलना है, ये होता है प्रतिकूल। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो नाव की चाल है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे, और घटाने पर 7 किलोमीटर प्रति घंटा ये दी हुई है, ये आएगी धारा और नाव की चाल का अंतर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और डाउनस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम मतलब होता है जब धारा भी इधर चल रही हो और नाव भी इधर चल रही हो, तो उस कंडीशन में दोनों की स्पीड जुड़ जाती है, यानी कि बोट प्लस स्ट्रीम की जो वैल्यू दी हुई है ये है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको बताना है स्टिल वाटर में आदमी की जो गति है वो क्या होगी, यहां पर नाव नहीं है, यहां पर मैन दिया हुआ है, तो आप मैन की स्पीड को बी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर मैन की स्पीड आपको बतानी है यानी बी की वैल्यू बतानी है, तो हमेशा याद रखना नेगेटिव के पहले जो है ये माइनस के बाद है, ये पहले है, माइनस के पहले जो है अगर उसकी वैल्यू निकालनी हो तो दोनों को ऐड करके उसका आधा कर दो। दोनों को ऐड करके आधा करोगे तो 9 आ जाएगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आधा करोगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी, यानी 11 में से 7 गए 4, 4 का आधा बचेगा 2। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों की दोनों इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। तो 9 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि पी और क्यू एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, पी और क्यू किसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, क्यू और आर इसे 4 दिनों में कर सकते हैं। चलो भाई, क्यू और आर ने किया 4 दिनों में, और पी और आर होगा ये, पी एंड आर इन 12/5 डेज। जो पी और आर है वो करते हैं भाई इनको 12/5 दिनों में।
तो पी को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे ये पूछा हुआ है। हमने क्या किया, ये जो वैल्यू दी हुई है ना 2, 4 और 12, इनका एलसीएम निकालेंगे और इनका एलसीएम आ जाएगा 12। अगर फ्रैक्शन में भी वैल्यू होती तो उनका एचसीएफ निकालते। ये होता है किसी फ्रैक्शन की वैल्यू का एलसीएम निकालने का तरीका। यहां से देखो ये 6 बार, ये कटेगा 3 बार और ये 1 बार कटेगा, लेकिन 5 के नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 बार आ जाएगा। अब कुल मिला के बात ये हुई कि P और Q एक दिन में 6 काम करते हैं तो 2 दिन में 12 काम करेंगे, Q और R एक दिन में 3 काम करते हैं तो 4 दिनों में क्या करेंगे 12 करेंगे, और P और R एक दिन में 5 काम करते हैं तो 12/5 दिनों में 12 काम करेंगे। अगर सभी के काम को जोड़ दिया जाए तो ये तो आ जाएगा 14, और ये P कितनी बार है 2 बार है, Q भी 2 बार है और R भी 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 बार P प्लस Q प्लस R। 2 बार P प्लस Q प्लस R की वैल्यू 14 है, इसका मतलब P प्लस Q प्लस R का मान आ जाएगा 7। आपको बताना है P, तो P के लिए आपको इसमें से Q और R हटाना पड़ेगा, और Q और R का एक दिन का काम है 3 और तीनों का एक दिन का काम है 7, इसका मतलब जो P होगा उसका एक दिन का काम 4 होगा। जो P Q R का एक दिन का काम 7 है और Q और R का एक दिन का काम 3 है, इसका मतलब P का एक दिन का काम 4 हो जाएगा। तो 4 की एफिशिएंसी से, दक्षता से 12 काम करने में लगने वाला जो समय होगा ये होगा 3 डेज, यानी कि 3 दिन, और ये है आपका ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति ने 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए उधार लिए, तो 2 वर्ष के अंत में ऋण चुकाने के लिए उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 16% रेट पर 7500 रुपए की अमाउंट, यानी कि आपको कुल राशि बतानी है। 7500 रुपए पर 16% का अगर रेट लगेगा तो 116 हो जाएगी इनिशियल वैल्यू 100 का, 116/100, और ऐसा 2 बार होगा तो 116/100। इसको सॉल्व करना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बाकी हम इसे 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 दिया 75 और 25 चौक 100। हाँ, इसको भी देखो भाई, 4 से ये और ये 4 1 4, 4 2 8, 4 9 36, 29 ये हुआ, 3 ये हुआ और 116 ये हुआ, इनकी करनी है मल्टीप्लाई। 29 और 3 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 87, तो ये आएगा और साथ में है 116, तो 7 8 56, बाद में तो 6 आएगा, तो उसने पूछा है कितना भुगतान करना पड़ेगा 16% चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच डज ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स टू क्लियर द लोन। ठीक है, यही आना चाहिए 7 6 42, ये होगा 7 6 42 और 11 7 77 और 4 81, 8 6 48, 88 और 4 92। इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 है, ये 9 है, ये 0 है, ये 10 है, तो 10092, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दिस वन इज द राइट आंसर। तो आपको ये समझना था कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी 1188 रुपए प्रति एक पर 2 साइकिल बेचता है, पहली पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज को बेचने में या खरीदने में जितने परसेंट का लाभ हो रहा है, अगर उतने ही परसेंट की हानि हो रही है तो क्या होगा, हमेशा हानि होगी, हमेशा हानि होगी। कितनी होगी, पहले वाला जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है उसका स्क्वायर बटे में 100। क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। कितना लॉस होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी दर है उसका स्क्वायर बटे 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1%। तो आप यहां से क्लियरली बोल दोगे कि 1% की क्या होगी, हानि होगी इस केस में।
आगे देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 42, 72, 84 से विभाजित करने पर 25, 55 और 67 शेष बचता हो। मतलब कि कोई भी एक ऐसा नंबर आपको छोटे से छोटा देखना है जिसमें ये सारी की सारी चीजें हो, कि अगर उसे 42 से विभाजित करें तो 25 शेष बचे। इसका मतलब अगर मैं इन छोटे नंबर में देखूं तो एक ऑर्डर में देखने पर सबसे छोटा नंबर ये है 487। अगर इसमें से 25 घटा दिए जाएं तो ये किससे विभाजित होना चाहिए, 42 से। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इनका एलसीएम निकालने के बाद देखो, 25 अगर आप 42 में से घटाओगे, मतलब मैं आपको बता रहा हूं जनरल मेथड ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, अगर आप 42 में से 25 को निकाल दोगे तो आपके कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 17। ऐसे ही 55 और 72 इनका जो डिफरेंस आएगा ये भी आ जाएगा 17, और 67 और 84 इनका भी अंतर आएगा 17। तो आपको करना क्या है, अगर आप इनके एलसीएम में से 17 को घटा दो तो आपकी वो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी कि भाई आप तीन नंबर से जब डिवाइड करोगे तो ये और ये शेषफल बचेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब तीनों दशाओं में समान अंतर आता हो, किस किस का, जिससे विभाजित करना है और जो शेषफल आता है, उन दोनों का अंतर जब सभी दशाओं में समान हो तब क्या करना है आपको, 42, 72 और 84 इनका एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम देखो कैसे निकालोगे, ये 42 है, इसको लिखो 7 गुना 6, ये 72 है, ये लिखो 12 गुना 6, ये 84 है, ये लिखो 12 गुना 7। तो क्या क्या मुझे कॉमन मिला, अगर मैं इसमें से 7 को ले लेता हूं एलसीएम में, तो यहां पर 7 है, एक 7 ये है, ये खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने 6 को या 12 को, यहां से मैंने 6 को कॉमन लिया तो इसका 6 खत्म हो गया और इसके पास 12 का एक 6 रह गया, क्योंकि 6 × 12 होता है, तो केवल 2 रह गया। तो अब की बार मैंने क्या किया, 12 को कॉमन लिया, तो 12 को कॉमन लेते ही ये 2 भी खत्म और 12 भी आ गया। तो कुल मिलाकर इनका एलसीएम जो आएगा वो आएगा 7 × 6 = 42 × 12, 42 × 12। तो 12 × 2 = 24 और 12 × 4 = 48, 49 × 50 = 504। लेकिन अभी सॉल्यूशन नहीं हुआ, 504 जो आई है वो एक ऐसी संख्या है वो जो इन तीनों से विभाजित है। आपको बताना है कि 17 17 17 इसको माइनस करने पर भी काम चलना चाहिए। जब आप इसमें से माइनस करोगे 17 तो ये आएगा 487, यानी कि 487 एक ऐसा नंबर है जिसको कि अगर आप 42, 72 और 84 तीनों से विभाजित करोगे तो पहली दशा में 25, दूसरी दशा में 55 और तीसरी दशा में 67 शेष बचेगा। ये क्वेश्चन कब करना है, ये तरीका आपको तब अप्लाई करना है जब आपके पास इन तीनों का रिमाइंडर यानी कि शेषफल तीनों कंडीशन में समान बचे। जैसे 25 से डिवाइड करने, 25 और 42 का अंतर 17, 55 और 72 का अंतर 17 और 67 और 84 का अंतर भी है 17। अगला क्वेश्चन है, ए बी बराबर है 3:4 और बी अनुपात 3। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:5 और बी अनुपात सी जो दिया हुआ है ये है 4:7। तो ए बी सी निकालने के लिए ये जो नंबर है इससे पहले वाला यहां लिख दो और ये जो नंबर है इससे बाद वाला यहां लिख दो और जो भी आते हैं उनकी कर दो मल्टीप्लाई। तो ये होगा 35, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12, बीच में लगा दो रेशियो, ये आंसर आ गया हमारा। तो 12:12:20:35 दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य 30 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना है। 36 पुस्तकों का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है 30 पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस बटे में सेलिंग प्राइस निकालना चाहूं तो ये वैल्यू आ जाएगी 30/36। और जब आप इसका रेशियो या अनुपात निकालोगे तो देखो ये आ जाएगा भाई आपका 6×5=30 और 6×6=36। अब आप देखो, 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी और 6 में बेच दी
तो एक का लाभ होगा कितने पर, क्रय मूल्य यानी 5 पर गुणा 100%। और 1/5 का मतलब अपने आप ही क्या होता है, 20% होता है, मतलब कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 रुपए प्रति किलोग्राम है मिलाई जानी चाहिए ताकि मिश्रित चीनी को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर न हानि हो और ना ही लाभ हो। पहले वाली चीनी है 20 रुपए किलो, दूसरे वाली चीनी है 15 रुपए किलो, और इन दोनों को बेच दिया 16 रुपए किलो की दर से, तो इसमें लगाते हैं हम एक चीज, इसको बोले हैं एलिगेशन। ठीक है, एलिगेशन लगाने के बाद क्या होता है, जब भी दो अलग अलग रेट के मिक्सचर को या अलग अलग रेट की किन्हीं दो वस्तुओं को एक साथ मिलाकर के उनको किसी एक दाम पर बेचा जाए तो उन्हें किस अनुपात में मिलाया गया, यानी कि उनके जो भार का अनुपात है किस अनुपात में निकाला गया, वो हमें एलिगेशन से प्राप्त होता है। तो 15 और 16 का जो डिफरेंस आएगा वो एक आएगा और 20 और 16 का अंतर आ जाएगा 4, यानी कि 20 रुपए किलो वाली तो 1 किलोग्राम वस्तु ली होगी और 15 रुपए किलो वाली 4 किलोग्राम वस्तु ली होगी। तब 5 किलोग्राम चीनी को 16 के दर पर बेचने पर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, ये होगा इसका मतलब। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रोजगार गारंटी योजना में श्रमिकों की संख्या में 15 की वृद्धि हुई जिसके परिणाम स्वरूप 20% की वृद्धि हुई, तो श्रमिकों का प्रारंभिक संख्या क्या थी। अब अगर 15 की वृद्धि होने से 20% की वृद्धि होती है तो मान लो प्रारंभिक संख्या x है, इसका जो 20% होगा, 20% मतलब 1/5, ये ही तो 15 होगा, तो कुल पहले कितने थे, पहले जो टोटल थे x का जो मान था वो 5 और 15 की गुणा करने पर मिल जाएगा, और 15 गुणा 5 कितना होता है 75, तो ये 75 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो प्रारंभिक उनकी वैल्यू थी या प्रारंभिक प्रारंभ में स्टार्टिंग में जो उनकी काउंटिंग थी। अगर ये पूछे कि अब कितनी हो गई है तो अब निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 और ऐड कर देंगे। अगर प्रारंभिक संख्या की बजाय वो पूछता कि बाद में कितनी संख्या है तो 15 और ऐड कर देंगे, उस केस में 90 आ जाएगा उसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 3/2 वर्ष में 400 का मूलधन होगा। मूलधन ये ही एक्चुअली, ये मिश्र धन है, ये है मिश्र धन, क्योंकि इसमें कहां है ना अमाउंट, तो आपको पता है 10% पर एनम है लेकिन 10% प्रति वर्ष है और अर्धवार्षिक रूप से ये रह जाएगा 5%। और 1.5 साल में कितने अर्धवर्ष होते हैं, 1.5 साल में 3 अर्धवर्ष होते हैं, मतलब कि इस पर 3 बार ब्याज लगेगा। 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये है 1/20, मतलब कि 20 रुपए पर 1 रुपए का जब ब्याज मिलेगा तो ये बन जाएगी 21/20 पहले साल में या 1 साल में। लेकिन ऐसे 3 क्रम होंगे क्योंकि 3 अर्धवर्ष है, तो 400 रुपए की जो राशि है इस पर जब 3 बार में ब्याज लगेगा 21/20 का तो टोटल कितनी अमाउंट ये बन जाएगी आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई, 400 तो ये 21 का क्यूब होता है 9261 और 20 का क्यूब होता है 8000, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, 4 से ये गया 2 बार, 2 से इसको काटेंगे तो 46 30.5 ये आएगा। एक नंबर के पहले इस जीरो की वजह से डेसिमल इधर उठ के आ जाएगा तो आपका आंसर आएगा 463.05, तो 463.05 ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मतलब आपको यह भी पता होनी चाहिए कि 21 और 20 का क्यूब क्या है, हो सकता है कि वो केवल ब्याज पूछता तो आप इसमें से इसको माइनस करके तब उस सेंस में ब्याज निकाल लेते। अगला क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक बस 30 सेकंड में समान दिशा में जा रहे एक ट्रक को 150 मीटर आगे ओवरटेक करती है, तो ट्रक की गति क्या है। जो ट्रक है, सबसे पहले देखो ये जो बस है ना, ये ट्रक है,
ये जो ट्रक है ये बस से 150 मीटर आगे है, तो ओवरटेक करने के लिए 150 मीटर की उसने दूरी तय करी, कितनी देर में, 30 सेकंड में। तो जो बस की स्पीड होगी वो ज्यादा होगी ट्रक से, और इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो आएगी बस माइनस ट्रक, और ये रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 150 बटे 30 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से इसको गुणा कर देंगे, अब ये आएगी किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 3 × 15 ये पूरा पूरा कैंसिल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है बस माइनस ट्रक की स्पीड, और आपको बस की स्पीड दी हुई है कितनी, 45, तो ट्रक की स्पीड कितनी होगी, 45 में से 18 और घटा देंगे यानी कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। भाई मान लो जो रेलगाड़ी की चाल है वो एस है, एस स्पीड से वो चलती है और 15 सेकंड में वो कवर कर देती है, तो चाल गुना समय, यही तो होगी रेलगाड़ी की लंबाई, लेंथ। आगे दिया हुआ है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो 100 मीटर तो प्लेटफॉर्म होगा प्लस 15s जो है वो लंबाई है ट्रेन की, अभी l की वैल्यू रखी, इस पूरी दूरी को तय करने में उसको 25 सेकंड लगे, तो अगर मैं दूरी को समय से भाग दे दूं तो ये फिर से चाल आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब 25 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 25s, 25s में से 15s इधर जाके माइनस हो जाएंगे, देख लो इसको लिखेंगे 100 प्लस 15s बराबर 25s, 15s इधर गए माइनस होंगे तो 10s बचेंगे, तो 10s की वैल्यू आ जाएगी 100 यानी कि s हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, s गुना 15, 15 में आप 10 की गुणा करोगे तो कितनी आएगी, 150 मीटर, और यह है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल ने 1200 रुपए में 80 किलोग्राम चावल खरीदा और उसे उतने पैसे की हानि पर बेच दिया जितना उसे 20 किलोग्राम चावल के लिए मिला था, तो 80 किलोग्राम चावल में 20 किलोग्राम चावल के लिए जो पैसा उसको मिला था उतने की हानि पर बेच दिया, तो 80 किलोग्राम पहले तो उसने खरीदे होंगे, फिर क्या हुआ, 80 किलोग्राम उसने बेच दिए और उसे हुई है लॉस, हानि हुई है, तो हानि कब हुई होगी, जब इसमें से भाई लाभ में अगर उसने कुछ बेचा होगा, हानि हुई होगी, इसका मतलब यहां पर पूर्ति नहीं हुई, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मिलता तब उसको क्या होता, बराबर होता क्रय मूल्य के, या आप ऐसे समझ लो कि 80 रुपए में कोई वस्तु बेची और हानि हो रही है तो क्रय मूल्य में से घटा दो, तो क्रय मूल्य में से कितने की हानि हुई, 20 किलो चावल के लिए जो उसे पैसे मिले थे सेलिंग प्राइस पर मिलते, इसकी उसको हानि हो गई, तब वो 80 के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर बेच दिया। इसको इधर ले जाओगे तो टोटल हो जाएगा 100 SP, तो 80 CP बराबर हो गया 100 SP, और जब आप इसे काट के सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 4 आएगी और ये वैल्यू 5 आएगी, यानी कि CP और SP का जो अनुपात आएगा ये होगा 5:4, 5 रुपए किलो चावल थे उसने 4 रुपए किलो में वो बेच दिए, तो कहा है 1200 रुपए में अगर 80 किलो चावल थे तो एक्चुअल में उनका रेट कितना था, 1200 में 80 किलोग्राम चावल थे तो 0 से 0 कैंसिल करके ये गया 15 बार, एक्चुअल में रेट था 15 रुपए किलो और हमारे हिसाब से आया है 5 रुपए किलो, तो 3 की गुणा करेंगे 15 रुपए किलो, इसमें भी 3 की गुणा करेंगे तो 12 रुपए किलो, इसका मतलब अगर 15 रुपए किलो उसने खरीदे तो बेचे कितने हैं, 12 रुपए किलो, तो ऑप्शन नंबर ए 12 रुपए किलो होगा इसका राइट आंसर। तो ये थे आपके आज की क्लास के वो सभी क्वेश्चंस जो हो सकता है इनके बेस पर आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइप के क्वेश्चंस के साथ, एक कलेक्शन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।